खबरों की हो, इस मॉनसून पूरे देश में भारी बारिश होने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिससे किसानों को भी राहत मिलने की आशा है। और आइए अब बढ़ते हैं खेल की खबरों की ओर। भारत ने हॉकी के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। मौत से आज तक कोई नहीं बच पाया, पर ना आगे बच पाएगा। लेकिन मौत का समय तो टाला जा सकता है, पर ये तुम टाल सकते हो अभिजीत। कुछ अपनों की मौत का समय क्या ना? ए, मैं जानता हूँ तुमने आज तक बहुत बड़े बड़े इम्तिहान दिए हैं, लेकिन ये इम्तिहान तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इसमें तुम पास होगे या फेल, ये इससे पता चलेगा कि एसीपी और दया बचते हैं या नहीं। कौन हो तुम? क्या है? मैं वो हूँ जो तुमको तुमसे भी बेहतर ढंग से जानता है। मेरा यकीन करो, कुछ बहुत बुरा होने वाला है, या फिर हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत ने भाग लेने का निर्णय लिया। तो जिसका खून हुआ है उसका नाम ऋषभ है, और उसके भाई ने हमें फोन किया है, ऋषि ने, जो इस कंपनी का मालिक है। सर, खून ऋषभ का हुआ है और वही मालिक है सर। ओ हाँ यार, वो दिमाग थोड़ा क्या हुआ? तो ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं यार, आज ऐसा भद्दा मजाक किया मेरे साथ किसी ने। ये इम्तिहान तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है, इसमें तुम पास होगे या फेल, ये इससे पता चलेगा कि एसीपी और दया बचते हैं या नहीं। सर, टीवी के अंदर कोई चेतावनी देके किसे जा सकता है? सर, आजकल स्मार्ट टीवी बड़ी आसानी से हैक किए जाते हैं, उस हैकर के आईपी एड्रेस से हम उस तक पहुंच जाएंगे सर। ठीक है, एक बार ये केस सुलझा लें, फिर देखते हैं उसका क्या करना है। सीआईडी के दुश्मनों की कमी है क्या? चेहरा याद है ना उसका? नहीं, टीवी पे बहुत अंधेरा सा था उस समय, और थोड़ी देर के लिए आया था वो, था तो कोई जाना पहचाना। ये क्या हो गया सर? देखिए ना, मार डाला मेरे भाई को किसी ने। संभालिए अपने आप को। सर, मैं ऋषभ सर की सेक्रेटरी हूँ, मिनी। कुछ देर पहले तक सब कुछ ठीक था, सर अपने कैबिन में काम कर रहे थे, और हम में से किसी ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। अच्छा, कैबिन किधर है? इस हिसाब से चेहरे का चिथड़े उड़े हैं, ऐसा लगता है किसी हाई पावर गन से गोली चलाई गई है। गोली सर के पीछे मारी है, एग्जिट वुंड माथे पे,
एंगल के हिसाब से ऐसा लगता है कि गोली या इस तरफ से चली है। सामने तो बिल्डिंग्स है और ये कांच कांच टूटा भी नहीं। राइफल की गोली है। हाँ, जो सामने बिल्डिंगें हैं इन्हीं में से किसी में होगा वो खूनी। खिड़की तो एकदम सही सलामत, गोली अंदर आई कहां से? सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से तो गोली लगने के बाद और ऋषि के कमरे में आने तक ना कोई कमरे से बाहर गया ना कोई अंदर आया। इससे एक बात एकदम साफ है, गोली बाहर से चली है, कमरे के अंदर से नहीं। मगर सर फिर बात वही आ जाती है ना, अगर गोली बाहर से चली तो ये कांच ही नहीं टूटा। राइफल की गोली थी, सब कुछ चकनाचूर करते हुए निकल जानी चाहिए थी। बात तो ठीक है, इसका जवाब तो शायद वहीं से मिलेगा जहां से गोली चली है, सामने वाली बिल्डिंग से। सर सर वो छत पे तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे लगे कि गोली वहां से चली है, ना कोई केसिंग ना कोई निशान। सर पूरी बिल्डिंग एकदम सील पैक्ड, उनकी खुद की साइबर सिक्योरिटी कंपनी, कोई भी बिना वेरिफिकेशन के अंदर आ ही नहीं सकता। मतलब ये किसी अंदर वाले का काम है। पर सर कोई अंदर वाला इतनी बड़ी राइफल लेके ऑफिस प्रमाइसेस में कैसे घुसेगा? हर जगह कैमरास लगे हुए हैं। अगर सवाल अब भी वही है अभिजीत, ये गोली चाहे कहीं से भी किसी भी बिल्डिंग से चली हो, ये कांच टूटा क्यों नहीं? हाँ, ऐसी कौन सी गोली है जो कमरे के अंदर बैठे एक आदमी को आके लगती है पर कांच पे जरा सी भी खरोच नहीं? मेरी चेतावनी को तुमने गंभीरता से नहीं लिया अभिजीत। तुम अपना कीमती वक्त इन छोटे मोटे मर्डर केस में बर्बाद मत करो, तुम्हारे दोस्तों को और इस शहर को तुम्हारी जरूरत है। क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? इस शहर पे एक घातक हमला होने वाला है, रोक सकते हो तो रोक लो वरना इस हमले में तुम्हारी पूरी CID टीम मारी जाएगी। बकवास कर रहा था। बचा सकते हो तो बचा लो अपनी टीम को वरना किस किस की चीता जलाते रहोगे। इधर अचानक से आया और अचानक से गायब भी हो गया और किसी ने उसे देखा तक नहीं। तो मैंने वॉचमैन को पूछा था, उसने बोला कि उस समय ना कोई आदमी बिल्डिंग के अंदर आया है और ना कोई बाहर गया। तुम्हारे बिल्डिंग के वॉचमैन ने उसे देखा नहीं गेट से अंदर आते हुए, तो फिर अंदर कैसे आया होगा? सर वही तो, अब देखो टीवी के अंदर लिफ्ट के बाहर था, पता नहीं कल उठ के तुम्हारे घर में भी घुस जाएगा। ये सीरियस मामला है। उसका चेहरा तो देखा था ना इस बार ठीक से?
भैया वहां पे अंधेरा था इसलिए चेहरा ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन जाना पहचाना जरूर है। ऐसा लगता है कि पहले पहले कभी मिला हूं मैं उससे। पर उसकी आवाज बिल्कुल मेरी तरह थी। हो सकता है अभिजीत कोई पुराना पापी हो जिसे तुमने किसी जुर्म में पकड़ा था पहले, और वो इसलिए ये अब वो मुझ पर नजर रख रहा है। पता नहीं अगला कदम क्या होगा उसका। ये शहर में कुछ करने की बात कर रहे थे ना कि सर, कहीं शहर में कुछ बड़ा तो नहीं करने वाले है? सर पूरे शहर में अलर्ट कर दे क्या न्यूज चैनल के जरिए? नहीं फ्रेडी, क्या हो सकता है। और फिर हमें ये भी पता नहीं कि वो जो बोला है वो सच है भी या नहीं। सर मैंने आपका टीवी चेक करवाया कंप्यूटर एक्सपर्ट से, लेकिन उसका कहना है कि किसी भी तरह की हैकिंग नहीं हुई। हैकिंग नहीं हुई तो फिर जो टीवी पे देखा मैंने वो सब क्या था? समझ में नहीं आ रहा सर, कैसे हो रहा है ये, क्या हो रहा मेरे साथ? देखते देखते अभिजीत पता लगा लेंगे, पता लगा लेंगे बराबर। एसी भी प्रद्युमन है? हाँ सर, जॉन हैरिस। ठीक है सर, जी आई प्रॉमिस यू सर, उनको कुछ नहीं होने देंगे हमें। जी सर, थैंक यू सर। क्या हुआ सर? नेताजी का फोन था, नेताजी कह रहे थे कि जॉन हैरिस क्लेज कंपनी का मालिक शहर में आ रहा है किसी नए प्रोडक्ट के लॉन्च के लिए। उनको डर है कि उस पर जानलेवा हमला हो सकता है। एयरपोर्ट से लेके होटल तक उसके साथ कमांडोज रहेंगे, लेकिन उसके बाद में उसकी पूरी जिम्मेदारी सिक्योरिटी की हमारे ऊपर है। हो जाएगा सर। बस तो फिर नेताजी के ऑफिस से लेकर होटल तक पूरा रास्ता अच्छी तरह से चेक करो, देखो कहीं कोई पॉकेट से के जहां पर कुछ हो सकता है, पूरी सिक्योरिटी बढ़ा दो वहां पर। हाँ सर, लेकिन इस हैरिस की जान को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। इस कागज से पता चल पाएगा कि मरने से पहले ऋषभ क्या कर रहा था? वही तो पता करने की कोशिश कर रहे हैं ना पूर्वी। अगर इतना सारा खून है इसमें कैसे पता चलेगा, इसे साफ कैसे कर पाएंगे? पूर्वी बस 2 मिनट रुक जाओ, सब कुछ साफ पता चल जाएगा। देखा पूर्वी, हुआ ना साफ, दिख रहा है सब कुछ? दिख रहा है सर, लेकिन ये तो किसी कंपनी के बैलेंस शीट जैसा लग रहा है। मर्डर का सुराग इसमें मिल पाएगा? पूर्वी बच्चे, सुराग हर चीज में मिल सकता है, सिर्फ देखने वाले की नजर होनी चाहिए। सही कहा सर, मैं ये कागज किसी अकाउंटेंट को दिखाती हूँ। हेलो, क्या? अरे वो, अच्छा ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। या ओके, क्या हुआ? मेरे पड़ोसी का फोन था, वो कह रहा है कि उसे मेरे घर से गैस लीक होने की बदबू आ रही है। गैस? गैस खुली छोड़ दी तुमने? अरे जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो बंद किया था, पता नहीं गलती से शायद ऑन रह गया होगा। ओके ठीक है, तुम्हारे घर चल के देखते हैं। नहीं नहीं, तुम जाओ वो रास्ता चेक करो, वो होटल से नेताजी के ऑफिस तक। मैं टैक्सी ले लूंगा। श्योर? हाँ हाँ श्योर, कुछ भी हो तो बताना। ठीक है। ये क्या?
कहा था ना तुमसे, छोटे मोटे केसेस पे ब्लॉक पर बात मत करो, उस केस पे ध्यान दो जिससे तुम्हारी जिंदगी पलटने वाली है। क्या बकवास कर रहा है, क्यों पीछे पड़ा मेरे हा? अपनी सीआईडी टीम को बचाना चाहते हो या नहीं? तो रुक रुक, तुम सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत सही है। देख मेरे दादाजी की फोटो बिल्कुल ऐसे ही है। अभिजीत इनकी तो डेथ हो गई है ना? 50 बार बोल चुका हूं दया, मैं अभिजीत का दादा नहीं, मैं खुद अभिजीत हूं। लोग समझ क्या नहीं रहा? अच्छा तू अभिजीत है तो मैं कौन? तुम भी अभिजीत हो और मैं भी अभिजीत हूं। बेरूपी हो तुम, खेल खेल रहा है हमारे साथ। तो मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मैंने कभी कभी आपके खिलाफ बोला नहीं, ना आज बोलूंगा सर। अभिजीत सर मुझे तो चक्कर आ रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है? टेडी अपनी वाइफ को फोन करके आखिरी पैगाम दे दो, आज हम सब सीआईडी वालों का आखिरी दिन। ए क्या बकवास है ये? है कौन तू? बार बार एक ही सवाल दोहरा के वक्त पर बात मत करो। कौन अभिजीत हूं मैं? तुम वर्तमान के अभिजीत हो और मैं भविष्य का। भविष्य के अभिजीत? क्या तारीख है? 2 जून 2018। और जानते हो जहां से मैं आया हूं वहां क्या तारीख है आज? 2 जून 2045। नशा कर क्या आए हो? क्या बकवास है ये? तो मैं मानता हूं आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा। अपने पूरे करियर में आपने ऐसी किसी बात पे यकीन नहीं किया है, पर मैं विनती करता हूं सर, प्लीज सर मेरी बात पे यकीन कीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा सर। भविष्य से आए तू? 2045 से? हाँ मैं, यानी कि तुम भविष्य से आए हो टाइम ट्रेवल करके। टाइम ट्रेवल? सर माना कि आज टाइम ट्रेवल करना मुमकिन नहीं है, अब भविष्य में इंसानों ने टाइम ट्रेवल करना सीख लिया सर। दादाजी ये परियों की कहानी किसी और को सुनाना है, आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हम लोग, वरना आप। मैं अपनी दोस्ती का लिहाज कर रहा हूं, इसलिए विनती कर रहा हूं सर। मैं जो कहना चाहता हूं एक बात सुन लीजिए ना प्लीज। ठीक है, तो 2045 से आया हूं मैं सर। मैं जानता था अभिजीत जॉन हैरिस के होटल वाला रास्ता चेक करने गया था, वहां पे होने वाले हमले के बारे में आगाह करने में गया था उनके पास। सर आप सब आप सब 24 घंटे में मरने वाले हैं सर। क्या? मैं जिंदा बचूंगा, यानी कि मैं और तुम एक ही हैं अभिजीत। जिंदगी भर सिग्गिल के साथ जी रहा हूं मैं कि मैं अपने लोगों को बचा नहीं पाया।
जिन्हें तुम बचा सकते हो। 20 साल पहले जो हुआ था तुम उसको रोक सकते हो। बचा लो सबको, कम से कम इस कीड़ी से तो बच जाओगे तुम, जो मेरी जान लिए जा रहा है। एक मिनट, आपका झूठ अभी साबित कर देते हैं। अपने उंगलियों को निशान दीजिए, अभिजीत के साथ मैच करके देखते हैं। उंगलियों का निशान चाहिए, ये लो। ये वही आरती जिसमें उसने आप सब चुलस चुलस के मर गए। किसी को बचा नहीं पाया मैं। क्या मैं भी मरने वाला हूं? सब, तुम सब लोग। सर, इसका डीएनए टेस्ट करते हैं। अभिजीत, तुम्हें पता है डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट एक दिन में नहीं आती, और इन सब के पास सिर्फ एक दिन है जिंदा रहने के लिए। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो तुम। अभिजीत, इससे ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब सिर्फ तुम जानते हो। सब। तो अभिजीत जी, मुझे उस लड़के का नाम बताओ जो स्कूल में सेकंड क्लास में मेरे साथ बैठता था। क्या हुआ, सवाल सुन के बोलती बंद होगी? अच्छे तरीके से जानते हो तुम याददाश्त का प्रॉब्लम है हमें। 2018 में भले ही तुम्हें उस लड़के का नाम याद हो, 2045 में नहीं याद रहेगा। लेकिन सीआईडी का एक केस याद है मुझे सर। वो रॉकी वाला केस, वो बैरूबिया जो अभिजीत की शक्ल बन के हीरो में आया था, याद है? गोली चला दी थी तुम्हारे ऊपर। सीआईडी की जितनी भी पुरानी केसेस है पब्लिक रिकॉर्ड्स में है, जो भी चाहे वो पढ़ सकता है, तैयारी कर सकता है, होमवर्क करके आ सकता है। हाँ सर, सारे केसेस हैं पब्लिक रिकॉर्ड में सिवाय एक केस के, जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है सर। ऋषभ मर्डर केस, जो आप सबका आखिरी केस है। अभी थोड़ी देर में पूर्वी यहां आएगी और बोलेगी ऋषभ के अकाउंट में कोई गड़बड़ कर रहा है। सर, हाँ सर, ये देखिए सब, ऋषभ के अकाउंट में कुछ गड़बड़ है सर। घोटाला कर रहा था कोई वहां पे। आप कौन? एक्स सीआईडी ऑफिसर अभिजीत, भविष्य से आया हूं मैं। पूर्वी, गफला किसने किया ऋषभ के अकाउंट में? सर वो ऋषभ का भाई है ऋषि, हाँ सर ऋषि। व्हाट? मैं ये सब इसलिए जानता हूं क्योंकि 27 साल पहले मैं ये केस सॉल्व कर चुका हूं। ऋषभ की मौत की सुपारी दी गई थी, अब जिस शार्प शूटर को सुपारी दी गई थी वो इस वक्त मलाड रेलवे स्टेशन के पास एक लॉज में छुप के बैठा हुआ है। Hands up! चाहिए तो डॉक्टर सालों के से चेक करा के देख लीजिए, ऋषभ को जो गोली लगी थी वो उसी गन से चली थी, स्नाइपर की गन से। क्या
बॉस, ये वही गन है जिस गन से ऋषभ को गोली मारी गई। बहुत लंबी प्लानिंग की गई। मजरिम ने शार्प शूटर को तो पैसे दिए ही। दो और लोगों की मदद ली जिन्होंने मेंटेनेंस वर्कर बन के ऋषभ की कांच की खिड़की को एक्रिलिक शीट से बदल दिया। अगली रात शार्प शूटर के गोली चलाने के बाद आधे घंटे तक कोई नहीं आया ऋषभ के कैबिन में। उसी दौरान ये तीन लोग फिर से आए, टूटी हुई एक्रिलिक शीट को कांच से बदल दिया। ये खून किसी और ने नहीं, खुद ऋषभ के भाई ने करवाया था। जब वो वहां गया तो बचा खुचा एक्रेलिक का टुकड़ा उसने वहां से हटा दिया। ऋषभ जान गया था कि कोई उसकी कंपनी के अकाउंट में फ्रॉड कर रहा है। ₹25 लाख दिए थे मुझे ऋषभ ने ऋषभ पे गोली चलाने के लिए। ये क्या है सर, मुझे यहां पे लेके आए? मैं भला अपने भाई को क्यों मरवाऊंगा? 25 लाख रुपए दिए थे ना तुमने ऋषभ को मारने के लिए, इस स्नाइपर को। अब 25 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना, फांसी तो तुम्हें होकर ही रहेगी। सर, सर वो सच कह रहे हैं, वो अभिजीत सर ही है, फ्यूचर से आए। पंकज, सालुंखे को कहो पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी करें। और आई गैंग के लोगों ने हर चीज पे कब्जा कर रखा है, पूरी दुनिया के मालिक बन बैठे हैं वो लोग। आई गैंग? हाँ सर, इसीलिए मैं वापस आया हूं ताकि आप लोग आई गैंग को ऐसा करने से रोक सके। सर, बच्चे बूढ़े औरतें सबकी चीख गूंजती है मेरे कानों में, कुछ करना होगा सर, उनको रोकिए प्लीज। मगर बर्बोसा तो नहीं पूर्वी, भूल गई तुम और उसके बाद इन तीन बर्बोसा के फोन आए थे उस वक्त। गए उठाइए, वीडियो कॉल है आपके लिए। हेलो एसीपी बर्बोसा, आई होप ये झटका तुम बर्दाश्त कर पाओगे, पर फिलहाल इस झटके को बर्दाश्त करने की हिम्मत ऊपर वाला तुम्हें दे। आई गैंग एक ऐसा हमला प्लान कर रहा है जिससे इस पूरे देश की कानून व्यवस्था ठप हो जाएगी और उसकी शुरुआत इसी शहर से होगी। सब लोग हर पुलिस स्टेशन में, क्राइम ब्रांच, कोर्ट, यहां तक कि सीआईडी ब्यूरो में बॉम्ब प्लांट करेंगे और उस ब्लास्ट में सब लोग मारे जाएंगे सिवाय मेरे। हाँ, तो उसके बाद कई सालों तक तुम कोमा में रहोगे और जब होश आएगा बहुत देर हो चुकी होगी, पूरी दुनिया बदल चुकी होगी। तुम्हारा जमीर तुम्हें धिक्कारेगा कि तुम अपने साथियों को बचा नहीं सके। सर, यही है मेरे
हर रोज हर पल की कहानी। हम वो टाइम मशीन देखना चाहते हैं जिससे तुम यहां आ गए। सर, टाइम मशीन जैसी कोई चीज नहीं होती सर। हाँ, मैग्नेटिक पोर्टल्स होते हैं जो जगह जगह लगे हुए हैं, करीब 8 मिनट के लिए खुलते हैं। उसमें अंदर जाके अतीत में जाया जा सकता है। अच्छा, तो चलो हम वो मैग्नेटिक पोर्टल्स ही देखेंगे जिससे तुम 27 साल यहां पीछे आ गए। मलाड में एक सुपरमार्केट है, राज राज सुपरमार्केट, वहीं से आया हूं मैं 8 दिन पहले। ठीक है, हम वो जगह जाकर चेक करेंगे। तारिका, डीएनए रिपोर्ट आएगा तो मुझे बता देना। यस सर। चलो परंके। हाँ बस, ये गन है, भूल गया। दिमाग को जंग नहीं लगा? अगर इसने कुछ नाटक किया, भागने की कोशिश की, बुला देना। आठ दिन पुराना वाला ही फुटेज है ना? जी सर, हम तो 1 महीने तक का फुटेज संभाल के रखते हैं। इसे रिवाइंड करना सर। ये क्या सर, ये आदमी दीवार से बाहर कैसे आ रहा है? क्या सर, उनके साहब अब तो यकीन आया मुझ पे, कहीं मैं कभी कम नहीं कर रखा है मैंने। ये मेरा ही चेहरा है और मैं ही असली अभिजीत हूँ। ये जले हुए का निशान जो है, ये तो असली है। ये आपकी शक करने की अदा और केस को सुलझाने का जुनून बहुत याद आता था मुझे सर। कितना अच्छा टाइम बिताया था हमने, फॉरेंसिक लैब में किया लड़ाई झगड़े। रिवाइंड का बटन दबा के कुछ अच्छे पल चला लिए मैंने सर। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को दोबारा देख के। चल एक बात बताओ, ये 2045 में तो साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली होगी, सब कुछ बदल गया होगा ना? बदल सकता था सर, अच्छे के लिए बदल सकता था, लेकिन इंसानियत जैसी कोई चीज बची नहीं 2045 में। ना कोर्ट है, कानून, सब कुछ आई गैंग की मर्जी पे चलता है। मतलब अच्छा सच्चा कोई इंसान बचा ही नहीं वहां पे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छे काम होते हैं कुछ, जैसे ये साइंस के इन्वेंशन वगैरह, मगर छुप छुपा के होते हैं। ये टाइम ट्रेवल, जैसे मैं आया, ये भी तो 2045 की खोज है। महान वैज्ञानिक डॉक्टर मैक्सी टैंग, कमाल के वैज्ञानिक है सर। ऐसे ऐसे रोबोट बनाए उन्होंने कि इंसानों के ज्यादातर काम अब रोबोट करते हैं सर। अच्छा, क्या बात कर रहे हो यार, मतलब सब कुछ उस रोबोट के हाथ में दे दिया? हाँ, तो फॉरेंसिक भी रोबोट के हाथ में दे दिया क्या? अरे सर, कमाल के वैज्ञानिक है डॉक्टर मैक्सी टैंग, आपको तो उनसे मिलना चाहिए, बहुत मजा आएगा सर आपको। मिलना चाहिए मतलब 2045 में मैं मिला नहीं उनसे? अच्छा यार एक बात बताओ, 2045 तक मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं? सब हाँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आदमी सच बोल रहा है। वो मैं ही हूं सर। इमोशनल मत बनो, वो हमें इमोशनल करना चाहता है ताकि हम कमजोर हो जाएं। देखो अभिजीत, वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि उसका जो भी प्लान है हमें दिख न सके। मगर अगर उसकी बात सच निकली तो सब मारे गए तो? और जॉन हैरिस मारा गया तो? हाँ? तो क्या? मुझे लगता है ये जॉन हैरिस को मारने के लिए सारा प्लान कर रहा है वो। हम
उस 2045 वाले अभिजीत की बातों में कहानियों में उलझ जाए और वो वहां जॉन हैरिस को खत्म करेगा, समझे? और सर वो ऋषभ वाला केस, वो उसे कैसे पता था? हाँ सर, स्नाइपर का उसी मोटल में मिलना और ऋषभ के ऑफिस की खिड़की का कांच बदलना, वो सब उसे कैसे पता? ये सब तो सिर्फ उसे ही मालूम है सर, हमें से किसी को कुछ नहीं पता। बोलो कुछ बता यार। बोल क्यों नहीं रहे यार, जवाब तो दो। 2045 तक मैं डॉक्टर सालू के जिंदा रहूंगा कि नहीं? तो रहने दीजिए सर, क्यों कड़वी बातें करके नाखून जला रहे हैं? अभी मैं आ गया हूं ना सर, अब सब ठीक कर दूंगा मैं सब। मतलब मैं okay. हाँ क्या बस कंफर्म हुआ ये जो बोल रहा था वो सही निकला कि नहीं? सर हमने उस जगह की सीसीटीवी फुटेज चेक की है, ये आदमी सच बोल रहा है। अरे यार अब तो मुझे अभिजीत बोल सकते हो, कब से ये आदमी सुन के कान पक्के मेरे, परसों से तरस गया था मैं अपने दोस्त के लिए। इस बार कुछ नहीं होने दूंगा मैं, कुछ नहीं होने दूंगा। अब तो गले मिले यार। सर अभी आपको मेरे पे यकीन नहीं, ठीक है, पर टाइम बहुत कम है हमारे पास सर। इससे पहले कि आए गैंग वाले लोग हमले करें, हमें उन्हें रोकना होगा। मगर कैसे? वो फैक्ट्री में उन्होंने बॉम्ब बना के रखे हुए हैं, एक बार बॉम्ब बाहर निकल गए तो लाखों लोग मरेंगे। सर प्लीज उनको रोकिए सर, मैं आपके कब्जे में हूं ना, मैं तो यही हूं, आप लोग जाके देखो ना। यार अभिजीत बोलो ना, बस मेरी बात पे यकीन करिए प्लीज सर प्लीज। कहां पे फैक्ट्री? सर अंदर मूवमेंट्स दिख रही है और बॉक्सेस में हीट रेडिएट हो रही है सर। मतलब उन बॉक्सेस में आरडीएक्स है? सबके सब कहां चले गए? खिलौने वाली गाड़ी, उसके ऊपर मोमबत्ती। अभिजीत एक एक बॉक्स चेक करना पड़ेगा, एक एक बॉक्स चेक करते। बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ अभिजीत, 2045 वाले अभिजीत ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। इन सारे बॉक्सेस में जलती हुई मोमबत्तियां थी,
उनकी हीट की वजह से हमें थर्मल इमेजेस मिल रहे थे। बॉक्सेस में कोई आरडीएक्स नहीं था। आरडीएक्स नहीं था किसी भी बॉक्स में। एसीपी प्रद्युमन, मिस्टर हैरिस, मुझे चिंता है कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। What? क्या करेंगे? अपना इवेंट कैंसिल कर दीजिए। वो ना ही हो सकता। It's not possible. तो एक ही रास्ता है, अपने टीम को आप अलग भेज दीजिए और मैं आपको लेने आ रहा हूँ ताकि मैं आपकी पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रख सकूं। ठीक है। हेलो मिस्टर जॉन हैरिस, एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। मीट माय टीम दया। हाय पूर्वी। आपकी बहादुरी लंदन तक चर्चा है। थैंक यू। आपने चर्चा तो बहुत सुनी होगी, अब आगे आगे देखिए और होता है क्या। कम ऑन जॉन, कम विद अस। गजब हो गया। क्या हुआ सर? तो हैरिस। काम डाउन। क्या हुआ हैरिस को? सर सर ही इज डेड। व्हाट? हाँ सर, अभी अभी कुछ लोगों को उसकी लाश मिली है टीकम रोड पर। ओह माय गॉड, कैसे हुआ ये सब? सर अब तक कुछ पता नहीं चला। मेरे कहने पर वो यहाँ आया था, मैंने गारंटी ली थी उसकी सुरक्षा की। सीआईडी कहाँ है? कहाँ है एसीपी प्रद्युमन? सर किसी भी सीआईडी ऑफिसर का फोन नहीं लग रहा है सर, और उनकी गाड़ियां भी गायब है। जॉन सर को वही अपनी गाड़ी में बिठा कर लेके गए। वो लोग जिम्मेदार थे जॉन की सेफ्टी के लिए। देश और कानून के साथ ऐसी गद्दारी कैसी कर सकती है सीआईडी टीम? सर मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा, एसीपी प्रद्युमन अपने उसूलों का इतना पक्का है, फिर इतना बड़ा जुर्म कैसे किया उसने? सीबीआई को खबर करो, मुझे भी अपने सीनियर्स को जवाब देना है। सभी सीआईडी ऑफिसर्स जल्द से जल्द गिरफ्तार होने चाहिए और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों को फंसाने की साजिश थी,
गन? सबकी गन? गन? गन छोड़ गए वो लोग हमारे लिए? तुम लोग करना क्या चाहता था? फोन नहीं चल रहा है, जरा देखो। नहीं सर, नेटवर्क नहीं है। जरूर नेटवर्क जैम किया है हाई गैंग वालों ने, अभी भी नजर रखे हुए हैं हम पर। ये सब उसी का कारण धरा है सर। वो 2045 वाला अभिजीत, मेरा हम शक्ल। सब बकवास था, मुझे पहले से ही शक था उस पर। 2045 से आया हुआ अभिजीत। सॉरी सर, मुझे इमोशनल नहीं होना चाहिए था सर। ठीक है, भाग के जाएगा भी कहाँ, देखते हैं। सारू के साथ वहां अकेले हैं उसके साथ। ओह माय गॉड सर, ये गाड़ी यहां कैसे? मैंने तो वहां पार्क की थी। ये चाबी मेरी जेब में थी सर। ये सब क्या है? जरूर हाई गैंग वालों ने गाड़ी का इस्तेमाल किया है हमारे। सर हाँ, किसी ने बॉम्ब तो फिट नहीं कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा पंकज। अगर वो लोग हमें मारना चाहते तो अंदर ही मार देते। एग्जैक्टली, जरूर कोई ना कोई साजिश रची उन लोगों ने हमारे खिलाफ। हेलो हेलो, सीआईडी की गाड़ी मिली? नहीं, ओ एक काम करो, सीआईडी की गाड़ी वहीं ढूंढो जहां जॉन हैरिस की लाश मिली है हमें। ओह नो, जॉन हैरिस को मार दिया इन लोगों ने और इल्जाम हम लोगों पे लगा दिया है। एक एक सबूत हमारे खिलाफ प्लांट किया जा रहा है। सर तो हम अथॉरिटीज को सब सच बता देंगे। वो लोग यकीन थोड़ी ना करेंगे हमारा। हमें ये केस चोरी छुपे सुलझाना होगा, नहीं तो बरसों से कमाया हुआ सीआईडी का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मगर किसी को तो वापस जाना पड़ेगा ब्यूरो में, नहीं तो सबको लगेगा कि हम लोग भाग गए, छुप गए कहीं पर। नहीं, एक काम करो दया और तुम लोग जाकर सुराग ढूंढो, सबूत ढूंढो, कुछ भी करो, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। हम लोग ब्यूरो जाते हैं, देखते हैं और क्या साजिश रची जा रही है हमारे खिलाफ। सर अब तो सारे सबूत मिटा दिए होंगे आई गैंग ने, इस केस में सबूत मिलेंगे कहाँ से? मिलेंगे फ्रेडी, सबूत भी मिलेंगे। ये है ना, हमारे हर गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगा रहता है, लेकिन इसके बारे में आई गैंग वालों को कुछ भी पता नहीं। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी गाड़ी लेकर वो लोग कहाँ कहाँ गए। अभी चेक करो, पूरा का पूरा रूट जान मारो। सर हम चलते हैं। ठीक है सर, अगर हो सके तो वहां से अपडेट करते रहना। हाँ पंकज। सर उनके ठीक है ना? सर सरिया जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे, सर पर घाव हुआ और इसलिए थोड़ा ब्लड लॉस भी। बस मुझे इस चोट की बिल्कुल तकलीफ नहीं, मुझे तकलीफ इस बात की है कि वो बहुरूपिया मेरे हाथ से छूट गया और जाते जाते हमें धमकी देकर के गए। घबराइए मत, ना तो आप इतनी जल्दी मरने वाले हैं और ना आपके सीआईडी के साथी। बारबोसा आप लोगों से आपकी जिंदगी नहीं छीनना चाहता, बल्कि बरसों से कमाई हुई आपकी रेपुटेशन, इज्जत छीनना चाहता है, ताकि आने वाले समय में लोग सीआईडी को गाली दें, थूके उन पर। एक बार आई गैंग के रास्ते का काटा सीआईडी हट गया, फिर होगा पूरी दुनिया पे हमारा राज और पूरी दुनिया पे हमारी हुकूमत। ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज, रक्षक बने भक्षक। जिस सीआईडी ऑफिसर्स के ऊपर लोग आग बंद करके विश्वास करते थे कि वो उनके और उनके देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आज उसी सीआईडी ऑफिसर्स ने देश के साथ किया है विश्वासघात। जी हाँ, लंदन से आए हुए मशहूर बिजनेसमैन जॉन हैरिस का मर्डर करके हुए फरार, एसीपी प्रद्युमन के साथ साथ सभी सीआईडी ऑफिसर्स के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट इशू कर दिया गया है, मगर अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। हैंड्स अप। गन नीचे कर। ऑफिसर वीरेंद्र और ऑफिसर रितेश
सीबीआई इंस्पेक्टर। हमारे यहाँ आने की वजह तो आप समझ गए होंगे एसीपी प्रद्युमन। ये रहा आपका और आपकी टीम का गिरफ्तारी का वारंट। जॉन हैरिस के खून के इल्जाम में आप सब लोग गिरफ्तार किए जाते हो। तुम्हें लगता है ये खून सीआईडी ने किया? सबूत है हमारे पास आप सबके खिलाफ। हैरिस के होटल की सीसीटीवी फुटेज। ये मुजरिम है मुजरिम, और ये सारा नाटक ये मुजरिम ही कर रहे हैं। ये कार तो आपकी है ना, फिर ये इनके हाथ कैसे लगी? सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि तुम, पूर्वी और दया जॉन हैरिस को सीआईडी की गाड़ी में लेकर जा रहे हो। हम सब तो फैक्ट्री में बंद थे उस वक्त। फैक्ट्री में बॉम्ब बन के तैयार है, एक बार बॉम्ब बाहर निकल गए तो लाखों लोग मरेंगे। कहां हैं आपके वो दोनों अफसर, दया और अभिजीत? दया और अभिजीत पता नहीं। एसीबी प्रद्युमन साहेब, झूठ पकड़ना आता है मुझे। तो उम्मीद है इस केस में सच क्या और झूठ क्या पकड़ पाओगे। लेकिन एक बात कहता हूं, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो ये आई गैंग कर रहा है, आई गैंग। कहानी अच्छी है। ये सच है, कहानी नहीं। कहां है वो फैक्ट्री? शहर के बाहर। इन पर नजर रखना, कोई बाहर जा रहे ना पाए। और हाँ, इनमें से कोई भी मोबाइल या लैंडलाइन का इस्तेमाल ना करने पाए। दया और अभिजीत का फोन आए तो कॉल देम हियर। और फ्रेडी, तुम हमारे साथ चलो। यहां चला मुन्ना, विलास भाई आते होंगे, सब कुछ जलाकर खाक कर दे। कोई सबूत नहीं बचना चाहिए, इतना सा भी नहीं। कुछ भी नहीं बचेगा। अभी क्या कर रहा, जल्दी करना। अरे कर रहा हूं ना। सबूत तो रहेगा, अब यही सबूत तुम्हें और तुम्हारे बॉस को आखिरी मंजिल तक पहुंचाएंगे। ये वो जगह है जहाँ पर जॉन हैरिस को पकड़ कर लेकर आए थे तुम लोग सीआईडी के गाड़ी में डालकर। क्यों, अगला कदम क्या है गैंग का? जी क्या फायदा हुआ वफादारी निभाने का, जब तुम्हारे लोग वफादार नहीं है? कौन है सबके पीछे? विलास। विलास वह तो कोई दिखा नहीं। ये तो क्या है, आईपैड मिल गया है और एक नाम मिला है, विलास। विलास ओ, तो इसी भी साहब के खुफिया नंबर पे ये नाम एसएमएस कर देता हूँ, और इस आईपैड को क्लाउड से कनेक्ट कर देते हैं, शायद पूर्वी को कुछ सुराग मिल जाए। आइए यहीं पे था। अरे क्या, या तो कुछ भी नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, यहीं पे था सब कुछ। वो क्रेट्स, छोटी छोटी खिलौने की गाड़ियां, वो टीवी सेट्स, सारा सामान कहां चला गया? बेवजह वक्त बर्बाद करके हमें गुमराह मत करो, समझे? मैं सच कह रहा हूं, मुझ पे यकीन करो। और सर ये इस फर्श पे ना
ग्रिड रखी हुई थी जिसकी वजह से हमें शॉक लगा। अच्छा, यहाँ ग्रिड रखी हुई थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। सीमेंट और पत्थर का फर्श है सिर्फ, कहाँ है सब कुछ? ये गैंग वाले बड़े शातिर है सर, हमारे आने से पहले सारे सबूत मिटा दिए उन्होंने। अच्छा, मतलब इतनी जल्दी सबूत भी गायब? सीआईडी से भी तेज है ये आई गैंग। देखो अब सर, तुम्हारी कहानियां बेमतलब है, भरोसे लायक नहीं। तुम लोगों की इन्हीं हरकतों से सीआईडी खतरे में आ चुकी है। ये क्या कर रहे हैं? फोन कर रहा हूं। सर, यू आर नॉट अलाउड टू कॉल। अरे अलाउड मींस क्या यार, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मैं हर रोज इस टाइम फोन करता हूं। आप कॉल नहीं कर सकते? आप बिल्कुल नहीं, आप प्लीज अपने सीट पे बैठिए। आप कॉल नहीं कर सकते? पूर्वी, डैनी जॉन हैरिस के सारे रिकॉर्ड मेरे फोन पर ट्रांसफर किए हैं, इसमें विलास नाम पता चला, इस विलास के बारे में पूरी जानकारी निकालो। ओके, वो बात नहीं है, नहीं है। शांत हो जाओ यार, वो अपनी ड्यूटी कर रही, उन्हें करने दो ड्यूटी, बाद में फोन करो। अरे कहाँ जा रही हैं आप? वॉशरूम। नहीं जा सकते? चलो आपके अंदर आओगी। पासवर्ड और कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट। जल्दी करो, इसमें विलास नाम पता चला, इस विलास के बारे में पूरी जानकारी निकालो। अभी जी सर को बताते हो। सर, जॉन हैरिस के आईपैड से पता चला है कि वो सारे ड्रोन्स कंट्रोल कर सकता है, और क्लेस कंपनी की प्रॉपर्टी पे शायद कुछ होने वाला है। पर ये जॉन हैरिस तो यहाँ पे एक नया डिलीवरी सिस्टम लॉन्च करने आया है ना? हाँ सर, सर सारे ड्रोन्स आई गैंग के काबू में, वो उसे मनमर्जी से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लेस के हेडक्वार्टर में जाना होगा, जहाँ से सारे ड्रोन्स लॉन्च होने वाले हैं। पूर्वी, किससे बात कर रही हो तुम? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो पूर्वी, दरवाजा खोलो पूर्वी। किससे बात करी थी तुम? किसी से नहीं। तुम सीआईडी वाले ना, भरोसे लायक ही नहीं हो। चलो सर, सर सर नहीं समझ में आ रहा, सर सर नहीं समझ में आ रहा, कैसे रोके सर? सारे ड्रोन अपने आप उड़ रहे सर। क्या हुआ सर? सारे ड्रोन अपने आप उड़ रहे सर, समझ में नहीं आ रहा सर। आई और कौन हो सकता है? वही होगा आई गैंग। इतने सारे ड्रोन्स के साथ ये लोग करने क्या वाले हैं? सब ड्रोन का कंट्रोल है ना तुम्हारे पास? हाँ, उन्हें उड़ाकर ला रहा हूं मैं। अब आएगा मजा, न सिर्फ इस शहर को, न सिर्फ इस देश को, पूरी दुनिया को पता चलेगा आई गैंग की ताकत। Ah.
लगा दो सारे बॉम्ब्स उस ड्रोन पे और देवन, तुमने हमसे झूठ बोला, फैक्ट्री में कुछ नहीं। ठीक है, अब मैं सच सच बताऊंगा, आप मेरी स्टेटमेंट ले सकते हैं। स्टेटमेंट? सर ये क्या कह रहे हैं आप? पंकज, अगर फांसी से बचना है तो स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सीआईडी को कम से कम सजा हो। क्यों? लेकिन ये सब किया क्यों? विलास, विलास के कहने पर इसका नाम विलास है। What nonsense? अरे ये तो आप ही का ऑफिसर है अभिजीत, बस थोड़ा बूढ़ा दिख रहा है। नहीं तेजी, ये हमारा ऑफिसर अभिजीत नहीं है, ये विलास है। विलास अभिजीत जैसी शक्ल होने की वजह से उसका फायदा उठाया उसने, और ये सारा नाटक इसी विलास ने रचा। हेलो, ओके ओके, जा प्लीज जा टीवी ऑन कीजिए। पूरे शहर पे मंडरा रहा है खतरा। जी हाँ, इस बार आतंकी हमला प्लान किया है आई गैंग ने, जो ना ही कभी किसी ने देखा है और ना ही सुना। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है घातक बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग के लिए। ये आरडीएक्स से भरे हुए ड्रोन्स शहर के ज्यादातर इलाकों पर मंडरा रहे हैं। सीआईडी ब्यूरो के ऊपर भी एक ड्रोन उड़ता हुआ पाया गया। आई गैंग ने 1,000 करोड़ रुपए की मांग रखी है, जो अगर 3 घंटों में पूरी नहीं की गई तो वो सभी बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे। लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये ड्रोन बहुत जल्दी अपनी लोकेशन बदल लेते हैं। अब देखना ये है कि आई गैंग की ये मांग पूरी की जाती है या फिर इसकी कीमत करोड़ों मासूम लोगों को चुकानी पड़ेगी। ओह माय गॉड, इन ड्रोन्स को शूट करके डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते? नहीं सर, रिस्क है, अगर ऐसे किया तो ड्रोन्स बॉम्ब की तरह वहीं फट जाए। मुझे पहले से ही शक था आई गैंग वाले कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। जल्दी से जल्दी किसी एक्सपर्ट को ढूंढना पड़ेगा जो इस ड्रोन्स के बारे में हमें कुछ बता सके। सर, पुलिस एकेडमी में मेरे एक प्रोफेसर, प्रोफेसर वसीम, जिन्हें गैजेट्स और गिज़मोस की अच्छी जानकारी है, शायद वो हमारी कुछ मदद कर पाए। बुलाओ उनको पूर्वी, बुलाओ। सिर्फ 3 घंटे बाकी है हमारे पास, जो कुछ भी करना है इन 3 घंटों में ही करना पड़ेगा, क्योंकि आई गैंग वाले झूठी धमकियां नहीं देते। लाखों लोगों की जानें दांव पर लगी हुई है। जी कहिए। आप तो अब चक्कर खा गए ना भाभी जी। आपकी गलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों भाइयों की सूरत भगवान ने इतनी एक जैसी बनाई है, कोई भी चक्कर खा जाता है। भाई? हाँ, विलास भैया का लाडला, छोटा सा प्यारा सा भाई हूं मैं। और मुझे पूरे यकीन है भैया ने मेरे बारे में आपको बिल्कुल नहीं बताया होगा। हाँ, अगर आप उनके भाई हैं तो उन्होंने कभी बताया क्यों नहीं? बताते भी कैसे है? सारी गलती मेरी है। अब मैं क्या बताऊं भाभी जी आपको, बचपन में अपने हाथों से खाना खिलाते थे मुझे, लेकिन देखिए ना मैं भी कितना नालायक निकला। माँ बाप के गुजरने के बाद मैं भैया से प्रॉपर्टी के लिए बहुत लड़ने झगड़ने लगा था, बहुत दुख दिए मैंने उनको। फिर मैं विदेश चला गया, उसके बाद तो कमाल ही हो गया भाभी जी, कमाल हो गया। पूछो कैसे? कैसे? परसों रात को भैया सपने में आए मेरे, चीख चीख के कह रहे थे गुड्डू घर वापस आ जा, गुड्डू वापस आ जा। गुड्डू? गुड्डू मैं? मेरे बचपन का नाम गुड्डू है, मेरा नाम गुड्डू, भैया का नाम टप्पू, गुड्डू टप्पू, टप्पू गुड्डू। टप्पू? उन्होंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं बताया। भैया ने बहुत कुछ नहीं बताया हम लोगों के बारे में।
हैं कहाँ भैया? वो तो शहर से बाहर गए हैं किसी काम से। अच्छा, तो उनको फोन लगाइए ना मामू जी। जी, आप? ये भाई नहीं, ये मेरे दोस्त है। माफ करना, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मैं अभिजीत का दोस्त हूँ। सुभजीत? सुभजीत? हाँ, सुभजीत। हम बहुत पुराने दोस्त हैं। उन्होंने कहा था तभी कॉल करना जब कोई इमरजेंसी हो। हाँ, इससे बड़ी इमरजेंसी क्या हो सकती है? उनका बरसों का बिछड़ा हुआ भाई वापस आया है और ये इमरजेंसी नहीं है। बताइए ना भाभी जी, उनको बताइए ना, उन्हें बहुत खुश होंगे भैया। प्लीज प्लीज फोन लगाइए, लगाइए ना जी। आप ही बात कर लीजिए, मुझे वो डांटेंगे। ऐसे कैसे, आपका देवर हूं मैं, ऐसे थोड़ी ना डांटने दूंगा मैं आपको। कितनी बार कहा है सुधा, फोन तभी किया करो जब कुछ अर्जेंट हो। क्या बात है? अरे अर्जेंट ही तो है भैया। मैं विदेश से वापस आ गया हूँ। बताओ कब आके मिलोगे मुझसे? क्यों बे लंगूर की तुम, तुझे क्या लगा था हम शक्ल होने का फायदा सिर्फ तू ही उठा सकता है? देखा बेटे, बस मत हो। पुलिस और मुजरिमों के बीच में परिवार वालों को नहीं लाना चाहिए। निकल जा मेरे घर से। परिवार है? परिवार वालों के साथ में ही तो हूँ। बहुत चिंता हो रही है परिवार की। ये देश मेरा घर है और हर देशवासी मेरा परिवार। सीआईडी ब्यूरो के ऊपर वो बॉम्ब वाला ड्रोन उड़ा रहा है ना तू? तेरी बीवी और बच्चा दोनों सीआईडी ब्यूरो में है, पहला बम वहीं फोड़ना। नहीं, खबरदार। खबरदार, अगर उन्हें कुछ हुआ तो ए चिल्ला मत वरना बीपी बढ़ जाएगा और सच में 2045 में पहुंच जाएगा तू, समझा? ऊपर की टिकट कटा के। क्या क्या चाहते हो सर? अगर इस गन से हम उस ड्रोन पे शूट करेंगे तो वो बॉम्ब फटेगा तो नहीं? मतलब ये कोई मामूली गन नहीं है, ये ड्रोन गन है और इसके इस्तेमाल से हम दुश्मन के ड्रोन्स को यहाँ वहाँ भड़का सकते हैं उनके सिग्नल जैम करके। मतलब ड्रोन और पायलट उसके बीच का जो कनेक्शन है ये गन उसे तोड़ सकती है। एक्जेक्टली, इसी के साथ। और फिर हम अपने ड्रोन को आसानी जमीन पर उतार सकते हैं। तो अब कितना टाइम लगेगा? लीजिए सर, हो गया। अब इसका इस्तेमाल करके हम ड्रोन को आसानी से नीचे उतार सकते हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे साथ हाथापाई करने का भी मन कर रहा है, मगर जोश से नहीं, होश से काम लो अभिजीत। पहले भी यही मार खा गए हो तुम और सीआईडी टीम को कितनी मुसीबत में फंसा दिया तुमने। मुसीबत में तो तुम्हारी बीवी और तुम्हारा परिवार है, उसकी कोई चिंता नहीं है तुम्हें? मैं कैसे यकीन करूं कि वो लोग अब भी सेफ हैं? सीआईडी से हम लोग, हाई गैंग से नहीं, अपनी जुबान के पक्के हैं। चलो बात कर लो अपनी बीवी से। हाँ सुधा, ठीक हो तुम? और मोहित? नहीं है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। वो तुम्हारी कमर में दर्द था ना, दवाई ली? हाँ, वो अभिजीत मिला मुझे, साथ में शायद किसी काम के लिए हम लोग आज शहर से बाहर जाएंगे तो रात में घर नहीं आ पाऊंगा। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं खाना खा लूंगा, ध्यान रखना। मैंने अपना वादा निभाया, अब तुम भी निभाओ। अब तक मेरे सारे रिकॉर्ड तो चेक कर लिए होंगे तुम लोगों ने। एक छोटा सा मुजरिम था मैं, छोटी मोटी चोरियाँ, हेरा फेरी, इसकी टोपी उसको पहनाना, यही सब करता था मैं। तो एक छोटा मोटा चोर आई गैंग में कहाँ से पहुँच गया? ऊपर वाले ने इतना हसीन चेहरा जो दिया है मुझे, तुम्हारा हम शक्ल होना, बस इसी चीज़ की लॉटरी लग गई मुझे। 50 करोड़ रुपए देके आई गैंग वालों ने खरीद लिया मुझे। इतना पैसा तो 50 जन्मों में भी नहीं कमा पाता मैं। और वो
ऋषभ मर्डर केस। वो सब आई गैंग की प्लानिंग थी। सुपरमार्केट में वो जो सीसीटीवी फुटेज था वो भी हम ही लोगों ने बनाया था, स्पेशल इफेक्ट। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जैसा समझदार इंसान मेरी उस बेसिर पैर की बातों पे कैसे यकीन कर गया है? मेरी एक ही कमजोरी है, मेरे सीआईडी के साथ ही, उनके साथ कुछ भी गलत होते नहीं देख सकता मैं। यही तो आई गैंग तुम्हारी इस कमजोरी को अच्छी तरीके से पहचानता है। इसी दुख तिरक का तो फायदा उठाया उन्होंने और आगे भी उठाते रहेंगे। और वो लाई डिटेक्टर टेस्ट कैसे पास किया? कुछ ही महीनों की ट्रेनिंग सब सिखा देती है, यहाँ तक कि दिल की धड़कनों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद कोई भी लाई डिटेक्टर टेस्ट तुम्हें झूठा नहीं बना सकता। और ये चेहरे पे जो जलने का निशान है वो? ये असली है। 50 करोड़ रुपए के लिए थोड़ा तो जलना बनता है ना बॉस। और वो बम कहां से कंट्रोल किए जा रहे हैं और बारबोसा कहां मिलेगा? मेरे हमशक्ल दोस्त, इस सवाल का जवाब जानने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। पीछे पीछे अभिजीत, तुम ठीक हो? हाँ यार। विलास, विलास भागना नहीं चाहिए। ये ड्रोन जमीन पे लैंड क्यों नहीं हो रहे? निशाना तो बिल्कुल सही था पंकज का। लगता है जरूर किसी ने इसके कोड के साथ छेड़छाड़ की है, मगर कोड तो सिर्फ जॉन हैरिस के पास थे। तो फिर जरूर इस ड्रोन को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि अगर कोई इसके कंट्रोलर के साथ छेड़छाड़ करे तो ये वहीं वापस चला जाए जहां से इसने उड़ना शुरू किया था। अब तो इस ड्रोन का पीछा ही करना पड़ेगा। जहां पर ये ड्रोन लैंड होगा वहीं पर आई गैंग का अड्डा होगा। ड्रोन हमारी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। सर वो देखिए, वो ड्रोन लैंड कर रहा है। वही आई गैंग का अड्डा होगा। ओह नो, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? ये ड्रोन यहाँ पे वापस कैसे आ पहुंची? जरूर हमारे ड्रोन के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया। इसे पता करो किसका ड्रोन है ये। सीआईडी ब्यूरो। इसका मतलब ये हुआ कि आईडी वालों ने हमारा ड्रोन बेकार कर दिया है। वो लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं। अब क्या करें? करना क्या है? सबक सिखाना है इन सीआईडी वालों को। वापस भेजो इस ड्रोन को। जल्दी करो वापस भेजो। नहीं हो सकता, एक बार ड्रोन से कनेक्शन टूट गया तो वापस नहीं जोड़ा जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि सीआईडी वाले हमारे बाकी के ड्रोन भी बेकार कर सकते हैं। लगता है नेताजी से बात करने का वक्त आ चुका है। सर आई गैंग का फोन है। हेलो हेलो, आई हेलो का वक्त खत्म हो चुका है नेताजी। मुझे अभी के अभी 1000 करोड़ चाहिए। मगर तुमने तो हमें 3 घंटे का टाइम दिया था, अभी 1 घंटा बाकी है। हाँ, लेकिन तुम लोगों ने हमारी शराफत का गलत फायदा जो उठाया है।
अभी के अभी हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो, वरना इतने धमाके होंगे कि तुम्हारा शहर धुआं धुआं हो जाएगा। ये देश का पैसा है, हमारे देश के लोगों का पैसा है, मैं इस तरह से तुम्हें नहीं दे सकता। क्या बेकार की बात कर रहे हैं नेताजी, जब देश में लोग ही नहीं बचेंगे तो पैसा किस काम का। पैसे अभी के अभी ट्रांसफर हो जाने चाहिए, वरना हमारी दिवाली के धमाके सुनोगे। मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, सर ये पागल है, कुछ खींचिए, 4, 3, 2, रुको, रुको, मैं कर रहा हूं पैसा ट्रांसफर। मान गए नेताजी। भागो, सीआईडी वाले आ गए। सीआईडी, मैं जानता था कि वो लोग जरूर आ जाएंगे। जाओ, मारो सबको। ट्रांसफर पाई, कोई भी बच के जाने ना पाए। जाओ, खत्म करो उन लोगों को। दया नितेश, ट्रांसफर कैसे करो? ओह थैंक गॉड, प्रदीपन समय पे पहुंच गया। सर, डैड। सीआईडी वालों ने स्ट्रोन वाले आइडिया की बैंड बजा दी है। मर गया तो तुम लोग भी नहीं बचोगे। रिमोट है इसका मेरे पास। ये फटा बम, सबका खेल खत्म। पूरी सारे ड्रोन्स वापस मंगाओ। पंकज संभल के। रेडी सर। सर कुछ नहीं है, बॉम्ब नहीं है। दूसरे देखो। पत्थर। बाकी बॉक्सेस भी देखो,
संभल के संभल के, हो सकता है एक बॉक्स में भी बॉम्ब हो। सर सारे बॉक्सेस चेक कर लिए, किसी में भी बॉम्ब नहीं है सर, सब में पत्थर भरे हुए। तो साई गैंग वालों ने झूठी धमकी दी थी सर हमें। सर ये आई गैंग वाले झूठी धमकी देते नहीं है सर, कुछ तो है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। वही तो फिर एक काम करो, इस डमी एसीबी की बॉडी को अच्छी तरह से चेक करो। सर हाँ, लास्ट डायल किसी कार्तिकेय कुमार का है। कार्तिकेय कुमार? पूर्वी जरा चेक करो तो देखो इस कार्तिकेय कुमार के बारे में कुछ मिलता है क्या। सर सर कार्तिकेय कुमार रैपिड कुरियर कंपनी का सीईओ। रैपिड कुरियर कंपनी? कहीं इस रैपिड कुरियर कंपनी का क्लेज कंपनी से कोई संबंध तो नहीं? हाँ सर, क्लेज कंपनी कस्टमर्स को जो भी पार्सल्स भिजवाती है वो ये रैपिड कुरियर कंपनी वाले ही डिलीवर करते हैं। ये है सारा चक्कर। ये जॉन हैरिस यहाँ आया था ये नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें कुरियर की डिलीवरी इंसान नहीं करते हैं बल्कि ड्रोन्स के जरिए कुरियर को यहाँ वहाँ पहुँचाया जाता है। मतलब ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट वाला चक्कर नहीं, टेररिज्म वाला चक्कर नहीं है। 1,000 करोड़ रुपये मांग रहे थे, ये सब कुछ इस रैपिड कुरियर कंपनी के कार्तिकेय से शुरू हो रहा है। सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। अगर मुझे पहले से पता होता था सीआईडी हमको फेल कर देंगी तो मैं ये प्लानिंग ही नहीं करता। तो अब तो मेरे किसी काम का नहीं। और तुम भी सीआईडी जी यहां कहां से आ गए? चलाते गाड़ी इनके ऊपर। नहीं नहीं ये मैं नहीं कर सकता। तो फिर गोली चल जाएगी मुझसे। रुको रुको मैं चलाता। चला दे। खुद को मार लूं या बरबोसा के हाथों अपने अपने बीवी बच्चों को मरते हुए देखूं। मैंने पहला रास्ता चुना।